चलिए धीरे धीरे सांसों को झटके से बाहर फेंकना, यह क्रिया है कपालभाति। आंखें बंद हो, मन शांत हो, मेरुदंड सीधा हो, झटके से नाक से हवा बाहर फेंकते हैं, दोनों नासिका से एक साथ हवा बाहर निकालेंगे। एक सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगेगा, नाक से हवा बाहर निकले और पेट यानी नाभि प्रदेश अपने आप अंदर चला जाता है। पूरा ध्यान सांसों को बाहर फेंकने पर, सांस स्वतः अपने आप अंदर चला जाता है। सांसों को लेने में आपका ध्यान नहीं फंसे, केवल सांसों को बाहर फेंकना झटके से। यह अभ्यास 5 वर्ष से छोटे बच्चों को नहीं करना है, 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चों को 2 से 5 मिनट, 10 साल से बड़ों के लिए 5 मिनट से 15 मिनट का यह अभ्यास प्रतिदिन हो, खाली पेट हो या भोजन करने के 5 घंटे के बाद यह कपालभाति की क्रिया को हम सहजता पूर्वक प्रारंभ करते हैं। इस कपालभाति के नियमित अभ्यास से करिए लगातार, शुगर की बीमारी, हृदय संबंधी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, गठिया की बीमारी, सियाटिका की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, धातु संबंधी बीमारी, बांझपन की शिकायत हो या नपुंसकता की शिकायत हो, शरीर में किसी भी अंग में चर्बी जमा हो रहा हो या हम मोटापे के शिकार हो, कपालभाति के नियमित अभ्यास करने से हमारा शरीर संतुलित हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। इन अभ्यासों को करते समय जब सांस को बाहर फेंके तो यह प्राणायाम मंत्र का जप करते हुए, जब बाहर फेंके सांस को, ओम ओम बोलना नहीं, केवल मन ही मन सांसों के साथ ओम ओम करना है। हेलो, ओम 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 या ओम भू ओम भुआ ओम लेना है, हम आते हैं कल आपके पास। ओम महा ओम जना, प्रोजेक्ट भी देखिएगा मेरा के PGDRT का सत्यम, ये हाँ असाइनमेंट भी देखिएगा, असाइनमेंट का भी देख लीजिएगा जो बार कर लीजिएगा। ये जब सांस को बाहर फेंकेंगे, देखिए ऐसे तो बोलेंगे ओम, मुंह से नहीं।